गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनिल के शर्मा आप लोगों का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज हम पैरेलल डेटाबेस के पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि पैरेलल डेटाबेस में लीनियर स्पीडअप क्या है, तो इस वीडियो लेक्चर में लीनियर स्केलअप के बारे में मैं बताऊँगा। तो वीडियो को देखते रहिए। तो शुरू करते हैं कि पैरेलल डेटाबेस में लीनियर स्केलअप क्या है। लीनियर स्केलअप, तो इस वीडियो लेक्चर में जो है बेसिकली हमें यही समझना है कि लीनियर स्केलअप क्या है। तो आइए इसको समझते हैं। तो लीनियर स्केलअप जो है बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहले को बैच स्केलअप बोलते हैं और दूसरे को ट्रांजेक्शनल स्केलअप बोलते हैं। तो बैच स्केलअप क्या है? तो बैच स्केलअप का मतलब कि यूनिक्स में दो कमांड्स होते हैं, एक बैच कमांड और एक ऐट कमांड। तो बैच कमांड में या ऐट कमांड में क्या होता है कि लेट सपोज हम चाहते हैं कि दो दिन के बाद जो है हमारा एक कमांड अपने आप ही जो है एग्जीक्यूट हो जाए। कोई बैकअप का कमांड है और उसे जो है हम चाहते हैं कि दो दिन के बाद जो है 2 बजे वो कमांड अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाए, रन हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यूनिक्स कमांड पे बैच कमांड लिख करके फिर जिस फंक्शन को हम चाहते हैं कि 2 दिन के बाद रन हो जाए उस फंक्शन को या उस कमांड को लिखते हैं। और उसके बाद हम टाइम स्पेसिफाई कर देते हैं कि एट 2 PM 2 बजे वो कमांड हमारा रन हो जाए। ठीक है, तो वो बैच कमांड क्या करेगी कि अगले 2 दिन के बाद 2 बजे जो है वो कमांड अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो बैच कमांड में बेसिकली जो है हमें जितने भी टास्क परफॉर्म करने होते हैं, जितने भी कमांड्स वगैरह रन करने होते हैं, तो उन सारे कमांड्स को बैच कमांड के साथ स्पेसिफाई कर दिया जाता है, उसमें टाइम वगैरह डाल दिया जाता है, तो उसी टाइम में वो कमांड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाती है। तो यहाँ पर लार्ज बैच जॉब्स का मतलब है कि बैच कमांड के साथ हमने एक से ज़्यादा टास्क वहाँ पे सेट कर दिया है कि इतने दिन के बाद ये सारे टास्क अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाए। तो बैच स्केलअप में क्या होगा कि जितना बड़ा बैच जॉब्स होगा, मतलब लार्ज बैच जॉब्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगे और उसको एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो लार्ज बैच जॉब्स कैन बी सपोर्टेड विदाउट लॉस ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि लार्ज बैच जॉब्स जब एग्जीक्यूट होंगे तो उसे एग्जीक्यूट होने में रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा नहीं होगा, मतलब उसे एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बैच स्केलअप अगर सही है तो बैच स्केलअप में यही होता है। ट्रांजेक्शनल स्केलअप में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कैन बी सपोर्टेड विदाउट लॉस ऑफ रिस्पॉन्स टाइम। अब अलग अलग कमांड प्रॉम्प्ट से, डेटाबेस के सॉफ्टवेयर से कुछ इन्फॉर्मेशन इंसर्ट की जा रही है, अपडेट की जा रही है, सेव की जा रही है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन वगैरह। तो एक ही टाइम पर 100 ट्रांजेक्शन्स या लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो परफॉर्म की जा रही है, तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को परफॉर्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर हम सिस्टम को ट्रांजेक्शनल स्केलअप कर देते हैं। तो इसको आगे और डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ आप सबसे पहले समझते हैं कि स्केलअप क्या है। तो स्केलअप को समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि पैरेलल डेटाबेस सिस्टम क्या है। तो पिछले कई वीडियोस में मैं पैरेलल डेटाबेस के बारे में ही बात करता हुआ आ रहा हूँ, बट इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि पैरेलल सिस्टम क्या है या पैरेलल डेटाबेस सिस्टम क्या है। तो जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो लेक्चर्स में बताया है कि पैरेलल डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है कि जो है जो हमारा डेटाबेस सिस्टम है जहाँ पर कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर है, उस डेटाबेस सिस्टम में जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो प्रोसेसर सिंगल है।
तो उसको जो है हम बोलेंगे सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो उस सिस्टम में क्या होता है कि एक कंपनी में लेट सपोज 100 बंदों ने एक टाइम पे ही अपने डेटाबेस के सॉफ्टवेयर से इंफॉर्मेशन को फेच करना चाहा, तो 100 बंदों की जो रिक्वेस्ट है वो डेटाबेस सिस्टम के पास गई, और जाने के बाद वहाँ पर एक सिंगल प्रोसेसर है, तो सिंगल प्रोसेसर क्या करेगा, पहले एक रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और हैंडल करके यूज़र को इन्फॉर्मेशन भेज देगा। फिर दूसरे जो है रिक्वेस्ट या दूसरे टास्क को वो एग्जीक्यूट करेगा, यूज़र के पास इन्फॉर्मेशन भेज देगा, फिर तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, इस तरीके से 100 टाइम्स जो है 100 यूजर्स के लिए टास्क को एग्जीक्यूट करके 100 यूजर्स के पास इंफॉर्मेशन भेजेगा। तो इसमें क्या है, सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या है कि 100 टास्क को एग्जीक्यूट कराने में जो है रिस्पांस टाइम बढ़ जाता है, उधर यूजर्स को, 100 यूजर्स को इंफॉर्मेशन बहुत देर देर में जा करके मिलती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पैरेलल डेटाबेस सिस्टम या पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसमें क्या करते हैं कि डेटाबेस सिस्टम के साथ जो है एक प्रोसेसर ना जोड़ करके उसमें मल्टीपल प्रोसेसर को जोड़ देते हैं। तो मल्टीपल प्रोसेसर में क्या होता है कि अगर 100 यूजर्स ने एक साथ रिक्वेस्ट भेजी है डेटाबेस सिस्टम के पास, तो मल्टीपल प्रोसेसर क्या करेगा, मल्टीपल प्रोसेसर क्या करेंगे कि 100 रिक्वेस्ट को सबको समान पार्ट में डिवाइड करके सारे प्रोसेसर को एक टास्क आपस में सौंप देगा, और सारे प्रोसेसर जो है 100 रिक्वेस्ट को, 100 टास्क को एक बार में ही एग्जीक्यूट करके 100 यूजर्स के पास एक टाइम में ही इंफॉर्मेशन को भेज देगा। तो इससे क्या होगा कि रिस्पांस टाइम बिल्कुल कम हो जाएगा और 100 यूजर्स को एक टाइम में ही तुरंत इंफॉर्मेशन उसके पास पुट करके आ जाएगी। तो इसको पैरेलल डेटाबेस सिस्टम बोलते हैं। तो अब स्केलअप को समझते हैं, तो अब स्केलअप समझ में आएगा अच्छे से। तो स्केलअप में क्या होता है कि एन टाइम लार्ज सिस्टम, ठीक है, और मोर प्रोसेसर परफॉर्म्स एन टाइम लार्ज जॉब इन द सेम इलेप्स टाइम। तो सेम टाइम में जो है एन टाइम लार्ज सिस्टम और मोर प्रोसेसर, अगर हमने डेटाबेस सिस्टम की तरफ, मैंने क्या किया, एन टाइम प्रोसेसर को मैंने बढ़ा दिया, तो एन टाइम लार्ज जॉब को वो परफॉर्म करेगा उतने ही समय में। तो नीचे हमारे पास एग्जाम्पल है, जब हम उस एग्जाम्पल को देखेंगे तो ये वाली लाइन हमें समझ में आ जाएगी। आगे देखते हैं, इट रिटेन्स सेम रिस्पॉन्स टाइम एज द जॉब साइज और ट्रांजेक्शनल वॉल्यूम इंक्रीजेस बाई एडिशनल प्रोसेसर एंड डिस्क, बाई एडिंग एडिशनल प्रोसेसर एंड डिस्क। इसका मतलब यह है कि डेटाबेस सिस्टम की तरफ अगर हमने एडिशनल प्रोसेसर और डिस्क को लगा दिया है, तो एडिशनल प्रोसेसर और डिस्क लगाने से क्या होगा कि अगर बैच जॉब्स बढ़ भी जाती है, उसकी साइज अगर बढ़ भी जाती है, ट्रांजेक्शनल वॉल्यूम अगर वो बढ़ भी जाते हैं, तो ठीक उतने ही टाइम में जो है सारे जॉब्स, सारे ट्रांजेक्शनल कमिट हो जाएंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन दोनों लाइंस को समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, तो फिर ये दोनों लाइंस हमें अच्छे से समझ में आएगी। तो मान लीजिए 4 प्रोसेसर सिस्टम्स प्रोवाइड सेम रिस्पॉन्स टाइम विद ए वर्कलोड ऑफ 400 ट्रांजेक्शन पर मिनट। तो मैंने क्या किया, डेटाबेस सिस्टम की तरफ जो है 4 प्रोसेसर लगा दिए, और 4 प्रोसेसर ने मिल करके क्या किया, 400 ट्रांजेक्शन के वर्कलोड को जो है सपोर्ट कर दिया एक ही मिनट में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि डेटाबेस सिस्टम की तरफ जो है 4 प्रोसेसर ना लगा करके मैं एक सिंगल प्रोसेसर लगाता हूं, तो सिंगल प्रोसेसर क्या करेगा, उतने ही टाइम में क्या करेगा,
केवल 100 ट्रांजेक्शन के वर्कलोड को ही सपोर्ट करेगा। मतलब एक मिनट में एक प्रोसेसर जो है 100 ट्रांजेक्शन के वर्कलोड को ही सपोर्ट करेगा, जबकि एक मिनट में अगर हमें 400 ट्रांजेक्शन के वर्कलोड को सपोर्ट करवाना है तो हमें डेटाबेस सिस्टम की तरफ जो है 4 प्रोसेसर को जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो लीनियर स्केलअप में जो है स्केलअप यही होता है कि अगर डेटाबेस सिस्टम की तरफ जो है एक प्रोसेसर होगा तो कम ट्रांजेक्शन, एक मिनट में कम ट्रांजेक्शन को वो सपोर्ट करेगा, और जो है प्रोसेसर को अगर हम बढ़ा देते हैं तो एक मिनट में वो ज़्यादा ट्रांजेक्शन को जो है वो सपोर्ट करेगा। अब देखते हैं कि लीनियर स्केलअप को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो लीनियर स्केलअप इक्वल टू वीपी अपॉन वीओ। तो वीपी जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग वॉल्यूम है और वीओ जो है वो है सिंगल प्रोसेसिंग वॉल्यूम। तो इसको इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इफ द सिंगल प्रोसेसर कैन प्रोसेस 300 ट्रांजेक्शन इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम एंड पैरेलल सिस्टम कैन प्रोसेस 600 ट्रांजेक्शन इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम देन स्केल अप वैल्यू वुड बी एज फॉलो। तो ये कह रहा है कि अगर डेटाबेस सिस्टम की तरफ एक सिंगल प्रोसेसर लगा हुआ है तो वो गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में एक मिनट में वो 300 ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर देगा। बट डेटाबेस सिस्टम की तरफ मैंने सिंगल प्रोसेसर की जगह पे मैंने पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम लगा दिया, मल्टीपल प्रोसेसर वहाँ पे लगा दिया, तो ये क्या करेगा उतने ही टाइम में एक मिनट में ये क्या करेगा 600 ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करेगा इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम उतने ही मिनट में यानी कि एक मिनट में। तो इस तरीके से जब हम स्केलअप को कैलकुलेट करेंगे तो स्केलअप की जो वैल्यू है वो होगी हमारे पास 2, क्योंकि यहाँ पर 600 जो है वो इंडिकेट कर रहा है पैरेलल प्रोसेसिंग वॉल्यूम यानी कि 600 ट्रांजेक्शन को ये जो है इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर सिंगल प्रोसेसिंग वॉल्यूम यानी कि 300 ट्रांजेक्शन को ये इंडिकेट कर रहा है। और इस तरीके से जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास, तो हमारे पास लीनियर स्केलअप जो है वो 2 आ गया। अब ये दो लीनियर स्केलअप 2 आया तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि इफ़ वी इंक्रीज मोर प्रोसेसर एंड डिस्क, अगर हम मोर प्रोसेसर और डिस्क को इंक्रीज कर देते हैं तो ये क्या करेगा उतने ही टाइम में इट प्रोसेस ट्वाइस द डेटा वॉल्यूम इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये क्या करेगा उतने ही टाइम में जो है दुगना डेटा को प्रोसेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 300 ट्रांजेक्शन जो है एक प्रोसेसर जो है एक मिनट में प्रोसेस कर रहा है, और उसी एक मिनट में पैरेलल सिस्टम क्या कर रहा है 300 ट्रांजेक्शन को प्रोसेस ना करके इसके दुगने यानी कि 600 ट्रांजेक्शन को ये प्रोसेस कर रहा है। समझते हैं कि पैरेलल डेटाबेस में स्केलअप कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली स्केलअप जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहले को लीनियर स्केलअप बोलते हैं, दूसरे को सब लीनियर स्केलअप बोलते हैं, और तीसरे को सुपर लीनियर स्केलअप बोलते हैं। तो समझते हैं कि लीनियर स्केलअप क्या है। तो इक्वल टू एन नंबर ऑफ प्रोसेसर, तो मैंने डेटाबेस सिस्टम की तरफ क्या किया, मैंने एन नंबर ऑफ प्रोसेसर को बढ़ा दिया। तो अगर हमारा लीनियर स्केलअप एन नंबर ऑफ प्रोसेसर के बराबर आता है तो उसको लीनियर स्केलअप बोलते हैं। और लीनियर स्केलअप को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैंने पिछले स्लाइड में बताया है। सब लीनियर स्केलअप में क्या होता है कि लीनियर स्केलअप जो है वो एन नंबर ऑफ प्रोसेसर से कम आता है तो उसको सब लीनियर स्केलअप बोलते हैं।
और सुपर लीनियर स्केल अप में क्या होता है कि एन नंबर ऑफ प्रोसेसर से लीनियर स्केल अप जब ज्यादा आता है तो उसको सुपर लीनियर स्केल अप बोलते हैं। अब समझते हैं कि पैरेलल डेटाबेस सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। तो सिंक्रोनाइजेशन जो है बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये एक एडवांस टॉपिक है, तो इसको एडवांस में जाकर के समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो है फोकस करना है ओरेकल के डेटाबेस पे। तो यहाँ पर जो है एक स्मॉल जो है समरी है, तो उसी में समझने की कोशिश करते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन है क्या। तो सिंक्रोनाइजेशन जो है कोऑर्डिनेशन ऑफ कंकरेंट टास्क इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि डेटाबेस सिस्टम की तरफ मल्टीपल यूजर्स ने, लेट सपोज 100 यूजर्स ने एक ही टाइम पर 100 रिक्वेस्ट भेज दिए, तो डेटाबेस सिस्टम को अब क्या करना है, उसमें लगे प्रोसेसर को अब क्या करना है कि उस 100 रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करना है, मतलब 100 टास्क एग्जीक्यूट करके 100 यूजर के पास इंफॉर्मेशन को वो भेजेगा। तो यहाँ पर जो 100 टास्क उसको प्रोसेसर को डेटाबेस सिस्टम की तरफ जो है प्रोसेसर जो है वो 100 टास्क को एग्जीक्यूट करना है, तो कौन सा टास्क पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा टास्क बाद में एग्जीक्यूट होगा, और अगर डेटाबेस सिस्टम की तरफ जो है पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है, बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं, तो किस प्रोसेसर के पास कौन सा टास्क जाएगा, तो यही सब डिसीजन जो है सिंक्रोनाइजेशन के फॉर्म में ली जाती है। तो सिंक्रोनाइजेशन इसी को बोलते हैं कि कौन सा टास्क पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में होगा, कौन सा टास्क किस प्रोसेसर के पास जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि कंकरेंट टास्क, यानी कि मल्टीपल यूजर की रिक्वेस्ट जो डेटाबेस सिस्टम के पास आई है, तो उस कंकरेंट टास्क, उस मल्टीपल यूजर के रिक्वेस्ट के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना, उस टास्क को या उस रिक्वेस्ट को जो है एग्जीक्यूट करने में। तो द अमाउंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड द नंबर ऑफ यूजर्स एंड द टास्क वर्किंग ऑन द रिसोर्सेज। तो अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन का अमाउंट ज़्यादा चाहिए, आप चाहते हो कि सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे, उसी हिसाब से आपको बहुत सारे प्रोसेसर भी लगाने पड़ेंगे, और उस रिसोर्सेज पे, उस प्रोसेसर पे काम करने वाले नंबर ऑफ यूजर्स और टास्क वो भी बहुत सारे होने चाहिए, तभी जो है सिंक्रोनाइजेशन अच्छे से हो पाएगा। लिटल सिंक्रोनाइजेशन में बी नीडेड टू कोऑर्डिनेट ए स्मॉल नंबर ऑफ कंकरेंट टास्क। अगर जो है कंकरेंट टास्क, यानी कि मल्टीपल यूजर्स जो है वो 20 यूजर, 30 यूजर या 50 यूजर से ज़्यादा नहीं है, तो 50 यूजर्स के रिक्वेस्ट को, 50 यूजर्स के टास्क को सपोर्ट करने के लिए थोड़े मोड़े सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। बट अगर मैनी कंकरेंट टास्क को, मल्टीपल यूजर्स के मोर देन 1000 जो है यूजर्स के रिक्वेस्ट को सपोर्ट करना है, मोर देन 1000 टास्क को एग्जीक्यूट करना है, तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए लॉट्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन यही था, और इतना ही समझने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि लॉकिंग क्या है। तो लॉकिंग जो है, लॉकिंग इज जो है अनदर एक एडवांस टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो लॉकिंग में बेसिकली जो है एल्गोरिथम वगैरह अप्लाई किए जाते हैं कि जब डेटाबेस सिस्टम के पास मल्टीपल यूजर्स की मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है, तो मल्टीपल रिक्वेस्ट को कैसे कैसे रन करना है, मतलब लॉकिंग जो है एक तरीके से सिंक्रोनाइज करने का एक तरीका है। तो लॉकिंग जो है ये एक एडवांस टॉपिक है, तो इसके अंदर भी घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही समझना है कि सिंक्रोनाइज करने के लिए लॉकिंग का यूज़ करते हैं। तो लॉक्स आर
Locks are used as a means of synchronizing the access of concurrent transaction to the database item. तो database system से अगर concurrent transaction, concurrent users की request जो है, मतलब database system से अगर multiple users डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहे हैं, यानी कि वहाँ पे कंकरेंट ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करवाना है, तो उसके लिए जो है उसके लिए सिंक्रोनाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, और वो सिंक्रोनाइजेशन हो पाती है लॉकिंग की वजह से, क्योंकि लॉकिंग में बड़े बड़े एल्गोरिथम लिखे जाते हैं जिसमें ये स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन सा टास्क पहले एग्जीक्यूट होगा, किस कंडीशन में कौन सा टास्क पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा टास्क बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली लॉकिंग हमारा यही है। तो पैरेलल डेटाबेस सिस्टम का जो है वीडियो लेक्चर ये 3 यहीं पे फिनिश होता है। बाकी का जो लेक्चर है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।